जब आपका मन कुछ चटपटा खाने का हो तो घर पर ही ट्राई करें फ्राइड समोसा मोमोज रेसिपी, तो साथ में इंस्टेंट मोमोज चटनी। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप मैदा ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो आटा है वो क्रम्बल पोजीशन में आ जाएगा और इस तरह से जब इसको बाइंड करेंगे तो ये अच्छे से बाइंड होगा। तो ये हमारा परफेक्ट टेक्सचर है। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकती हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो बनाएंगे। पानी हमने एक साथ नहीं डालना है। ये देखिए हमारा डो बनकर रेडी है। अब इसको ग्रीस करेंगे, एक हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा सेमी सॉफ्ट डो बनकर रेडी है। अब इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम इसमें भरने के लिए फिलिंग बनाकर रेडी करेंगे। एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें 1/2 कप चॉप की हुई पत्ता गोभी ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे करेंगे। फाइव मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम चॉप की हुई 2 ग्रीन चिलीज डालेंगे। अब इसमें फाइनली चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे से सौते करेंगे। ये देखिए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें से जो हमारी पत्ता गोभी है उसका पानी लगभग ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 चॉप की हुई गाजर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये कैरेट ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब 1/2 चॉप की हुई कैप्सिकम डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी फिलिंग बनकर रेडी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए लग रही है ना कितनी टेस्टी। तो डो चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। इसको दोबारा से हम अच्छे से गूंथ लेंगे। तो देखिए हमारा डो बनकर रेडी है। इसको हम राउंड शेप में बॉल बनाएंगे और इसको बड़े से आकार में बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसको बेल लिया है। ये इतना मोटा रहना चाहिए, ज़्यादा मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए राउंड शेप में कोई भी हम ढक्कन या ऐसे बाउल ले लेंगे और इसके सर्कल काट लेंगे। इससे आपका टाइम की बचत होगी और एक साथ ही इसकी बहुत सारी सी पूरी बन जाएगी। ये देखिए बाकी का जो हमारा आटा रहेगा उसको दोबारा से हम राउंड करके ऐसे ही बेल लेंगे। ये देखिए इसको दोबारा से राउंड करेंगे और फिर से इसका बड़ा सा बाउल बनाकर इसको ऐसे राउंड शेप में बना लेंगे। ये देखिए हमने सभी पीसेस बना लिए हैं। एक दो रखेंगे और इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और साइड में हम इसको पानी लगाकर ग्रीस करेंगे। ऐसे इसको
फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए अच्छे से इसको प्रेस करना है आपने साइड से। इसको उठाएंगे और इसको दोबारा से हम फिर से ऐसे मोड़कर इसकी शेप देंगे। देखिए इस तरह से आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। देखिए पानी लगाकर इसको अच्छे से दबाकर बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सारे हमारे जो मोमोज हैं वो बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी मोमोज बनकर रेडी हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। अब मीडियम हॉट ऑयल में हम अपने सभी मोमोज एक एक करके डालते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी सभी मोमोज फ्राई हो चुके हैं, तो इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट और बाहर से कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए अब जल्दी से इंस्टेंट चटनी बनाकर रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने ब्लांच कर लिया है, और 10 से 12 रेड चिलीज लिए हैं जिसको मैंने कि गर्म पानी में सो करके रखा था, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, और 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को पीस लेंगे। तो देखिए हमारी इंस्टेंट मोमो चटनी बनकर रेडी है। तो इसको आप गर्मा गर्म मोमोज के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।